नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर आते भी हैं और आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आंसर मैं दूंगा कि देखिए, ये जो पेंडेमिक महामारी जो चल रही है कोरोना, इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कंपनी के लिए घातक होती है, तो देखिए वी सरकार का जो लेबर लॉ है 1980 की बात करें तो उसमें संशोधन किया 2020 में, कानून बनाया था लगभग अप्रैल के अंदर। मैंने इस पे पहले भी टॉपिक बनाया था, 279 आर्टिकल में एक ऑप्शन दिया गया था। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर, हम आधी सैलरी पे घर बैठ के काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, फिर भी कंपनी क्या हमें ज़बरदस्ती कार्यालय में ऑफिस में बुला के काम करा सकती है? तनख्वाह तो हमें आधी दी जा रही है, क्या फिर भी कंपनी करा सकती है? तो इस डिटेल पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि भी किस कंडीशन में आपको काम करना पड़ सकता है, क्या क्या आपकी अधिकार हैं, सुरक्षा हैं, डिटेल से हम जानेंगे। और दुबई का लेबर लॉ का जो है कानून वो क्या बोलता है, जी हाँ भाई, डिटेल से जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 2020 में आपको पता है प्राकृतिक आपदा कोरोना महामारी इस वजह से लगभग सब कुछ चौपट हो गया था। इसको देखते हुए वी की सरकार ने एक वहाँ का एक कानून बनाया गया था कि बता दूँ, मानव संसाधन मंत्रालय और अमीरात मंत्रालय द्वारा कानून नंबर इसको दिया गया 279। जी हाँ, इसमें देखिए जॉब की अस्थिरता, यानी बताया गया था कि एक तो अनपेड लीव या हाफ सैलरी पे जॉब करना या फिर उनको घर भेज देना, वीज़ा कैंसिल कर देना, इस तरह के प्रोसेस इसमें बताए गए थे। तो इसमें यह नियम बताया गया था भाई, वो महामारी पेंडेमिक ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो नियुक्ता है या वो कंपनी है वो ये नियम लागू कर सकती है। और ये नियम जो सैलरी हाफ मिलते हुए भी आपको कंपनी में काम करना पड़ सकता है, इसकी आपकी सहमति होती है। जो पहले जो अग्रीमेंट हुआ था ना, अस्थाई अग्रीमेंट, उसमें ये बातें लिखी गई थी कभी नियुक्ता वर्कर की सहमति से, मेरे द्वारा सहमति से, इस प्रोसेस से वो उनको आधी सैलरी पे घर से काम करवा सकता है। जी हाँ, उसके बावजूद भी अगर कंपनी को लगे या वर्क आपके नियुक्ता को लगे कि भाई आपको ऑफिस आके काम करना पड़ सकता है, तो आपका ये हो सकता है कि यार आधी तनख्वाह में अपन ट्रेवल करेंगे, इतनी दूर जाएंगे, अपने को पैसा बचेगा नहीं तो हम क्यों जाएं कंपनी में, आप मना कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको ऑफिस में जाके काम करना पड़ सकता है। जी हाँ, 2020 279 का अनुच्छेद है, बता दूँ 6, उसके अनुसार ये प्रावधान किया गया था और ये शायद अभी भी चल रहा है। आपको इसको पता लगा लेना चाहिए कि भाई मोरे ने ये कानून वापस लिया है कि नहीं लिया है, कि भाई प्राकृतिक आपदा 279 में हाफ सैलरी पर भी आप कंपनी काम करवा सकती है, आपसे मजबूरी में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है कि एक अनिश्चित समय के लिए होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और कंपनी को पूरी तनख्वाह देके आपको काम करवाना होता है। लेकिन कई जगह कुछ कंपनियां शानपति दिखा देती हैं तो वो उसी कानून के हिसाब से सैलरी आदि देने की कोशिश करती हैं कुछ हद ज़्यादा समय तक। लेकिन उसको पता लगाने कुछ पिछले कुछ समय तक तो ये कानून चल रहा था, लेकिन हो सकता है मोरे ने अभी ये कानून हटा दिया गया हो कि हाफ सैलरी पर कंपनी काम करवाए प्राकृतिक आपदा में। लेकिन अभी कोरोना नॉर्मल स्थिति में है और अभी सब कुछ नॉर्मल है तो कंपनी को तनख्वाह भी पूरी देनी पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर मेन टॉपिक ये है कि भाई ऐसी कुछ आपदा होती है तो नियुक्ता आपकी भी सहमति उस अग्रीमेंट में होती है, मोरे की भी सहमति होती है, कम सैलरी में, आधी सैलरी में आपको ऑफिस आने के लिए मजबूर किया जा सकता है और आपको ऑफिस में जाना भी पड़ सकता है। तो आई होप आपको इस आर्टिकल 2020 279 के तहत आपको समझ में आ गई होगी शॉर्ट में कि भाई आपको आधी सैलरी होने के बावजूद भी कंपनी में जाके काम करना पड़ सकता है, ये मोरे का नियम बनाया गया है। लेकिन ये नियम देख लो कि कब तक लागू होता है, तभी तक करना होता है, बाकी सैलरी पूरी आपको मिलनी चाहिए ये नियम हटने के साथ में, यानी प्राकृतिक आपदा हटने के साथ में। तो ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।